पे तो मेरे चैनल के सभी व्यूअर्स को हेलो एंड नमस्कार। तो आज हम आ गए हैं कहाँ पर? केसार देवी मंदिर। केसार देवी मंदिर, जय माता। और ये क्या है? जय माता की। अनीता का सफरनामा है, तो इस सफरनामे में हमारे साथ सफर करते रहिए। चलिए तो केसार देवी के दर्शन कराते हैं आपको। थोड़ी सी ट्रैकिंग है, दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये मैं नंगे पाँव है, ये हमारा प्रियांश भी नंगे पाँव है। मैंने कहा भैया क्या कहा, मैंने क्या हो गया प्रियांश, मैंने क्या कहा कि चप्पल पहन लो तो कंकर पत्थर है। आप क्या बोल रहे थे? कंकर पत्थर से मिट्टी से बने हैं। देखा, नाजुक पत्ते थोड़ी हैं। देखा, न्यू जनरेशन अगर अच्छे संस्कार दिए जाए तो इस तरह से होते हैं। ये देखिए, ये माँ का मंदिर जो है खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। ये यहाँ से ये सीढ़ियाँ शुरू हो जाएंगी। ये छोटे छोटे बच्चे भी चल कर आए हैं। देखिए, पढ़ लीजिए आप, पवित्र स्थान केसार देवी धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से एक पवित्र स्थान है। कृपया यहाँ किसी प्रकार की गंदगी कूड़ा कचरा ना डालें। अपने साथ कोई खाद्य सामग्री अगर लाए हैं तो उनको पॉलिथीन वगैरह में रखिए और यहाँ पर साफ सुथरा रखिए। तो ये तो हमें वैसे भी करना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान, तभी नेचर को हम संजो कर रख सकते हैं। ये धरोहर है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमें इन्हें संजो कर रखना है। चलिए तो चलते हैं। बहू बेटे आगे निकल गए हैं, चलो अब हम चल रहे हैं। ये जी, कई लोग तो हिम्मत हार के बैठ गए हैं यहीं पर, लेकिन हम चल रहे हैं। 37 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं अभी मैंने। जय माँ केसार देवी, जय हो मेरे महादेव की। केसार देवी मंदिर को रास्ता, ये अगर वैसे ही आप जाना चाहते हैं ना सीधे रास्ते से तो ये इस तरह से है, और अगर आप स्टेयर से जाना चाहते हैं तो इस तरह से है। तो देखिए, वो रेड गाड़ी दिख रही है ना आपको, वहाँ से मैंने चढ़ाई शुरू करी। 102 सीढ़ी तो मैं आ गई हूँ, थोड़ा सांस फूलने लगा था तो मैं बैठ गई हूँ। कुछ लोग हैं दर्शन कर कर आए हैं माँ केसार देवी के, तो जैसे इन्होंने मुझे देखा कि मैं हाफ सीढ़ी थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर बैठ जाइए, मैं बैठ गई। चलो इनसे पूछते हैं, माँ देवी के दर्शन कैसे रहे बताइए। हमने स्वामी विवेकानंद के ध्यान केंद्र में भी बैठे थे। अच्छा, वेरी गुड। और ऊपर भोलेनाथ के भी दर्शन किए, नंदी जी महाराज को अपनी मनोकामनाएं भी बताई। ये सारा ऊपर ही जाकर है? हाँ हाँ। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग नोएडा से हैं। नोएडा से? अच्छा, हम दिल्ली से हैं। और क्या क्या देखा यहाँ आकर? अभी कुछ नहीं, कल शाम को ही आए हैं बस। अच्छा, तो जागेश्वर जरूर जाइएगा। हाँ। जा रहे हैं अभी? अभी देखते हैं। हाँ, 35 माँ भी है हमारे साथ, वो थोड़ा ओल्ड ही है, तो भी मेरे हस्बैंड ऊपर लेके उनको गए। अच्छा, नहीं आप तो जागेश्वर में ट्रैकिंग नहीं है, जरूर जाइएगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगी एक बार जागेश्वर जरूर जाइएगा। तो 167 सीढ़ियाँ, 167 सीढ़ियाँ ऊपर से यहाँ तक है, और टोटल 200 सीढ़ियाँ हैं, तब जाके माँ केसार देवी के दर्शन होंगे। तो हम यहाँ रुक गए हैं प्रसाद लेने के लिए। बहू बेटे माँ देवी के लिए प्रसाद ले रही हैं, तो चलो ऊपर चलते हैं और माँ देवी के दर्शन कराते हैं। केसार देवी गुफा, इस पर्वत की एक गुफा में सितंबर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने कठोर आध्यात्मिक साधनाएँ की थी। यहाँ उन्हें उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई थी तथा उनका मुख मंडल दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा था, परंतु जब वे आध्यात्मिक अनुभूति के शीर्ष पर पहुँचे तब उनके अंदर पीड़ित मानव जाति की सेवा करने की एक तीव्र इच्छा जागृत हुई और वे अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक आनंद को छोड़ जगतार्थ करने हेतु बाहर निकल पड़े। ये देखिए केसार देवी माता मंदिर, अगर अंदर से बनाने देंगे तो ज़रूर चलेंगे। ये ऊपर आकर इस तरह से महामाई के दर्शन करेंगे। इस तरह से ऊपर आकर देखिए, ये वादियाँ हैं, इस तरह से नज़ारे होंगे। आइए चलते हैं, यहाँ जूते चप्पल हैं उतारे हैं लोगों ने, तो हम भी अपने जूते चप्पल उतारते हैं। ये लो, हमने भी उतार दिए। चलो आ गए। ये देखो,
हमारे इंडियन लड़कियाँ इनके कल्चर को फॉलो कर रही है आज के टाइम पे, और ये हमारे कल्चर में घुस रहे हैं। हाँ देखो कुछ ये फॉरनर है, सीखो कुछ, ये हमारे कल्चर में बिलीव रखते हैं, ये हमारे में कन्वर्ट हो रहे हैं और हमारे यहाँ की लड़कियाँ इनमें जा रही है, अपने आप को बर्बाद कर रही है। और इंडियन कल्चर तो वैसे ही पूजनीय है। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, बहुत सुंदर है। हाँ देखते हैं ऊपर जाके बनाने देते हैं या नहीं, कोशिश करूंगी। हाँ जी ये देखिए, ये फॉरनर है, देखो देखो धूप बत्ती भी जला रही हैं वो। गुजारिश है कि अपनी जो कल्चर है उसको बनाए रखिए, जब दूसरे देश की लड़कियां इस कल्चर को अपना रही हैं तो हम अपना कल्चर क्यों खोएं। चलिए चलते हैं। माँ के शेर दोनों साइड, चलिए अंदर एंटर हो रहे हैं। कि मैंने अंदर जाके कोशिश तो करी थी कि मैं अंदर का वीडियो बनाऊं, लेकिन पंडित जी ने वीडियो नहीं बनाने दिया था। वो नीचे कसार देवी के मंदिर से ये सीढ़ियां चढ़कर हम महादेव के दर्शनों को आ गए हैं। ये देखिए ये भैरव जी का है, जय भैरवनाथ, भैरव मंदिर है ये। प्रांगण में, इनके प्रांगण में देखिए श्रद्धालुगण बैठे हैं, और ये जो व्यू है, व्यू को इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठा रहे हैं। ये देखिए ये मेरे नंदी बैल, और वो मेरे महादेव, जय हो मेरे महादेव की। अंदर तो पंडित जी शायद बनाने नहीं देंगे, तो अंदर चलते हैं हम। सर वो कसार देवी से जब आप ऊपर आएंगे तो ये महादेव का मंदिर है। ये देखिए ये मेरे नंदी बैल, लोग नंदी जी के कानों में बात करते हुए उनसे अपने जो अभिलाषाएं हैं वो नंदी बैल को कहते हुए, क्योंकि सुना है कहते हैं कि नंदी बैल जो हम अपनी जो अभिलाषाएं नंदी बैल के कान में कहते हैं तो वो मेरे महादेव तक पहुंचाते हैं, और जो नंदी बैल हैं वो महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तो नंदी जी की सारी बातें सुनते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हमने भी दर्शन कर लिए हैं और नंदी जी के कान में हमने भी अपनी जो अभिलाषाएँ थी वो कह दी हैं, मेरे महादेव उन अभिलाषाओं को पूर्ण करें, सभी भक्तगणों की अभिलाषाओं को पूर्ण करें। मंदिर के प्रांगण से ये एरिया है मंदिर का, यहाँ से देखिए कितनी खूबसूरत दृश्य हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, मनमोहक हैं। आप यहाँ आइए और इन नज़ारों का आनंद लीजिए और महादेव और माँ कसार देवी के दर्शन कीजिए। यहाँ विवेकानंद जी आए थे, मैंने बताया था आपको, पढ़वा भी दिया है, उन्होंने मेडिटेशन किया था। यहाँ पर यज्ञ होते हैं, देखिए। तो जी सब मिलकर बोलेंगे एक बार, जय हो मेरे महादेव की। सबकी मनोकामना पूर्ण करना मेरे महादेव, हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना, सबकी करना। तो जरूर बताइएगा अनीता के सफरनामे में आपको कसार देवी के दर्शन कैसे लगे, अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है। देखो माँ देवी है एक, तो आप जब भी जाते हैं कहीं भी शक्तिपीठ होते हैं तो वहाँ दर्शन जरूर करिएगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा चलना पड़ेगा, ये ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इसे ज़रूर आना चाहिए, जब माँ के दर्शन हो जाएँ तभी अच्छा। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स को कहना चाहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो ये वाला व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं अनीता के सफ़रनामे में। हाँ जी तो क्या कहोगे अनीता के सफ़रनामे में? बहुत ही बेहतरीन जगह, मज़ा। हाँ जी आना चाहिए ना, बहुत बेहतरीन जगह, बहुत अच्छा लगा।